तुमको 5,000 रुपया देंगे, काम करोगे तो बताओ। नहीं, 7,000 रुपया लेंगे, उससे कम में काम नहीं करेंगे। अरे पान का दुकान में तुमको 7,000 रुपया देंगे, 5,000 दे रहे वो भी बहुत है। अरे पान बेचने के लिए हमको रख रहे हैं ना, इसके लिए आपसे 7,000 रुपया ले रहे हैं, बहुत कम है। हम इस काम को नहीं करना चाहते हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, और अगर करेंगे तो पैसा बढ़िया लेंगे, कम पैसा में काम नहीं करेंगे। अरे तो हम बुलाए हैं क्या तुमको, जो ऐसे बोल रहे हो? नहीं करना है तो जाओ यहाँ से, कई आदमी हमको मिल जाएगा काम करने के लिए। सोच लीजिए, अगर 5,000 में किसी से काम करवाइएगा तो वो नौकर बन के काम करेगा, और अगर हमसे काम करवाइएगा 7,000 रुपया देकर, तो हम ऐसे काम करेंगे जैसे मेरा पापा का दुकान हो, वैसे काम करेंगे, अपना दुकान समझेंगे, अपने आप को मालिक समझ के काम करेंगे, सोच लीजिए। और ऐसे भी आप अगर हमको 7,000 देंगे तो कोई एहसान नहीं करेंगे, हम दिमाग वाला बच्चा है, बहुत सेल करेंगे आपका। ठीक है, तुमको 7,000 रुपया देंगे, लेकिन याद रहे अगर सेल में कमी हुआ तो तुमको काम से निकाल भी देंगे, काहे कि जो चीज बोले हो वो करके भी दिखाना, दिमाग है ना तुम्हारे पास, तो देखेंगे तुम्हारा दिमाग कितना है। सुनो, अब हम घर जा रहे हैं खाना खाने, आते हैं, तब तक ध्यान देना दुकान का, कस्टमर आए तो सेल बढ़िया से करना, चूना लगा के। और ये ध्यान रहे कि कोई भी कस्टमर मेरा दुकान का कोई भी सामान को छुए ना, और अंदर भी आने मत देना। अरे छुएगा नहीं तो बेचेंगे कैसे, सामान तो छुएगा ना जब बेचेंगे तो। अरे जब तक वो खरीदे नहीं तब तक छूने मत देना। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा कर कमाल, कर दे सबकी सीधी चाल। किछोरा गंगा किनारे वाला, किछोरा गंगा किनारे वाला। अरे बाबू सिगरेट है? हाँ मेरे पास सिगरेट है, पान है, कोल्ड ड्रिंक है, टॉफी है, चॉकलेट है, लेमन जूस है, मेहंदी है, और रिमोट का बैटरी है, कंडीशनर है, शैम्पू है, पानी है, तुमको क्या चाहिए ये बताओ। अरे ये सब तुम हमको कहे बता रहे हो, हम बस ये पूछ रहे हैं ना सिगरेट है कि नहीं। तो तुम हमसे ये सब फालतू सवाल कर कह रहे हो कि तुम्हारे पास सिगरेट है कि नहीं, तुमको जो चाहिए वो बताओ, हमारे दुकान में क्या क्या है वो क्या जानना चाहते हो तुम, चोरी करोगे क्या रे? तुमको क्या पीना है वो बताओ, क्या खाना है वो बताओ, जो खाना पीना है देंगे। ठीक है सिगरेट का पॉकेट दो एक। अरे ये तो खाली सिगरेट का पॉकेट है। अरे तो तुम सिगरेट का पॉकेट मांगे ना जी, तो वही तो दिए हम, वो भी बेचते हैं 2 टका पीस। सिगरेट चाहिए तो वो मांगो ना, पॉकेट का मांग रहे हो, बोलो सिगरेट का पूरा डब्बा दो तब देंगे। और ऐसे भी धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए हम खाली डब्बा बेचते हैं, सिगरेट देते हैं वैसे कस्टमर को जो जिद करता है, नहीं तो कस्टमर को खाली डब्बा देते हैं ताकि उसका जान सुरक्षित रहे। अरे तुम आदमी है कि पैजामा है रे, हमको नहीं खरीदना तुम्हारा दुकान से एक भी सामान। हाँ तो जाओ ना दुकान से, जाकर दूसरा जगह मरो। अरे बाबू पान है? पहले ही बताइए आपका शरीर में जान है जो पान खाइएगा? अरे इसीलिए तो पान खा रहे हैं ताकि शरीर में हमारा जान आए। कितने का है पान आपका? 10 रुपया का है। बनाइए एक ठो बढ़िया पान, ये लीजिए 10 रुपया, बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया। हाँ तो लगा हमारे लिए भी एक ठो पान। हाँ तो 10 रुपया दीजिए। अरे अभी तो दिए हम 10 रुपया। अरे उस 10 रुपया का पान तो हम खा गए ना। अरे तो तुम्हारा पान खाने का पैसा हम कह दे? अरे आप ही तो पूछे बढ़िया है ना, तो इसीलिए हम टेस्ट करके बताए बढ़िया है। अरे तुम पान बना रहा है, तुमको नहीं मालूम है कि पान बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? और तुम टेस्ट किया तो उसका पैसा हम कह देंगे? अरे आप ही ना पूछे हमसे कि बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है, इसीलिए हम टेस्ट किए, नहीं टेस्ट करते तो कैसे बताते, कहे कि हम बच्चे हैं पान थोड़ी ना खाते हैं, बच्चा लोग पान नहीं खाता है। और ऐसे भी आज हमारा पहला दिन है, हमको क्या मालूम पान बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है, हमको जो सेठ जी बोला था हम वैसे ही बेच रहे थे, अब आप हमसे पर्सनली पूछे पान बढ़िया है कि नहीं, तो अब हम सोचे कि पहले खाएंगे तब ना बताएंगे। कस्टमर को झूठ का बोले, व्यवहार अच्छा रखेंगे तभी ना आप अपने पान दोबारा आइएगा, गंदा पान खिलाएंगे तो एक ही बार आइएगा। चलिए 10 रुपया लाइए, बना देते हैं। अरे मारेंगे 4 जूता ना तुमको पकड़ के, तो बुद्धि छुड़ा देंगे तुम्हारा, हम कस्टमर को बेवकूफ बनाते हो, हमको पान खिलाओ हम पैसा दिए है। अरे मारेंगे ना 4 जूता खींच कर, बुद्धि छुड़ा देंगे तुम्हारा, दुकानदार को बेवकूफ बनाते हो।
अरे हम तुम्हारा थाना में कंप्लेन कर देंगे। अरे हमारा कोई थाना ही नहीं है, तो तुम कंप्लेन काम करेगा जी? पगला कहीं का सोच रहा हमारा कोई थाना है? पागल पहले इन्फॉर्मेशन रखा करो कि किसका थाना है किसका नहीं है। चलो चलो आगे बढ़ो, टाइम नहीं अपने पास, और भी कस्टमर आने वाला है। अरे तुम कौन है जी? अरे तुमको दिखता नहीं है, दुकान का आदमी हम। तुम कौन है, तुमको चाहिए क्या ये बताओ, समझे? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, हम कौन है नहीं है। बड़का है लाट साहब, तुम कौन हो? तुम्हारा बाप तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, पैदा किया ना तुमको, बकवास कर रहे हो। आइडेंटिटी चाहिए तुमको? मानेंगे चार जूता ना तो आइडेंटिटी मांगना भूल जाओगे। रे 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 पागल का बच्चा, ज्यादा बोल रहा है रे। हा? एक तो हमारा दुकान पे आके बैठ गया है, ऊपर से बकवास कर रहा है। कहाँ गया वो लड़का जिसको हम बैठा के गए थे? तुम क्या कर रहा है हमारा दुकान पे? तुम्हारा दुकान है ये, बुड़बक समझ के रखे हो। हमको सेठ जी यहाँ पे बैठा के गया है, नौकरी पे रखा है हमको। सेठ जी को आने दो, तब बात करना सेठ जी से। अरे कौन सा सेठ जी? इस दुकान का इकलौता सेठ जी हम ही है। नाम याद कर लो, मेरा नाम है मुन्ना। अरे मुन्ना है तो अपना माई के पास जाकर बैठो ना, यहाँ पे काहे घूम रहे हो? अरे क्या हुआ सेठ जी, काहे डांट रहे हो मेरे लड़का को? अरे तुम तो खुद ही बच्चा लगते हो, ये तुम्हारा लड़का है क्या? अरे लड़का का मतलब बेटा नहीं है, लड़का है, काम पे रखे है नौकर हमारा। नौकर? तुम हमारा नौकर हो और तुम नौकर रख लिए? अरे हम आपको बोले थे ना, हम मन लगा के काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे जैसे सेठ जी काम करता है। तो अगर हम सेठ जी हैं तो नौकर नहीं रखेंगे, काहे कि हम काम नहीं करते हैं, हम काम करवाते हैं। हम पैदा हुए थे तो हमको पंडित जी बोले थे ये लड़का आगे जाके काम करवाएगा, करेगा नहीं। अरे पागल हो क्या जी तुम? हम तुमको काम करने का 7,000 दे रहे हैं ना। अरे तो काम कोई भी करे, आप 7,000 ही दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा नहीं ना दे रहे हैं। अब हम काम करें या हमारी जगह 20 आदमी आकर आपका दुकान में काम करे, काम से मतलब है ना आपको? आपका पैसा तो उतना ही जा रहा है ना, ये हमारा दिमाग है, हम अपना स्कीम लगाए, हम ऐसे ही काम करते हैं, 20 दुकान में घूमते हैं, सब पे अपना आदमी लगाते हैं, काम हम नहीं करते, मालिक से पैसा लेते हैं और अपना प्रॉफिट में से इस लोग को खिलाते हैं, थोड़ा पैसा दे देते हैं, बाकी हमारा मुनाफा होता है। काहे कि हम बिजनेस करने के लिए पैदा हुए हैं, नौकरी करने के लिए नहीं। जैसे आप बेवकूफ मालिक हैं, आप ज्यादा कमाते हैं, हमको 7,000 पे इतना छोटा दुकान में रखे, पान का दुकान में। लेकिन हम समझदार मालिक हैं, हम अपनी जगह इसको रखे 2,000 में, ये तो 1500 में भी काम करने को तैयार था, लेकिन हम 2,000 दिए कि बेचारा ईमानदारी से काम करेगा, 5,000 का हमको प्रॉफिट हो गया। सोचिए बैठे बैठे, बुद्धि हमारा है ना। हम बोले थे आपको, हम 150 साढ़ आदमी है, आपको हम बोले थे, आपको यकीन नहीं हुआ, देखे एक के दिन में आपको दिखा दिए कितना होशियार है। 7,000 लेकर 2,000 देकर 5,000 कमा भी लिए, आप पूरा महीना में बैठकर 20,000 कमाइएगा। अरे तो तुमको हम नौकरी पे अब नहीं रखेंगे, निकलो यहाँ से। तुम होशियार तो हो लेकिन बेवकूफ होशियार हो, हमारे सामने बोल दिए ना आप 2,000 में ही हमारे यहाँ काम करेगा, और अगर ज्यादा किचकिच किया तो 2,500 देंगे, तब भी हम फायदा में रहेंगे, जाओ यहाँ से। अरे बाबू देखो, तुम्हारे सामने बोल रहा है कि 7,000 लेकर तुमको 2,000 दे रहा है, 2,500 देंगे, काम करोगे? अरे साहब आप हमको क्या अपने तरह समझते हैं क्या? हम ईमानदार आदमी हैं, हमारा बाप दादा वफादारी के लिए जाना जाता था, और आप हमको गद्दारी करना सिखा रहे हैं। हमारा बाप दादा वफादारी के लिए अपना मालिक का जान ले लिया, और आप सोचते हैं हम अपना जान दे देंगे आपके लिए? हमको सेठ जी रखे है नौकरी पे, हम उनका ऑर्डर सुनेंगे, आपका क्या सुनेंगे? अरे 5,000 देंगे, करोगे कि नहीं? हर आदमी का एक कीमत होता है, तुम्हारा भी होगा। नहीं साहब नहीं होगा। आखिरी बार पूछ रहे हैं, 7,000 देंगे, करोगे कि नहीं? काहे कि तुमको 7,000 देंगे तो चलेगा, ये आदमी को नहीं देंगे, ये आदमी ढेर होशियार बन रहा है ना, धोखेबाज आदमी है ये, इसको नहीं देंगे, तुमको दे सकते हैं, बोलो। सही में साहब 7,000 रुपया दीजिएगा ना? अरे बोले ना जी देंगे। हाँ तो अभी दीजिए, काहे कि आपका कोई भरोसा नहीं है, आप दो मुंह वाला आदमी है। अभी देखिए हमारे सामने इसको निकाल दिया ना नौकरी से, तो क्या पता कल को हमसे अच्छा लड़का मिल जाए तो हमको भी निकाल दीजिएगा, हमारा भी पैसा खा जाइएगा ना, अभी दीजिए 7,000 रुपया। अरे ये लो, ये लीजिए मालिक 5,000 रुपया, आप हमको कमा के दीजिए या हम आपको कमा के दे, बात तो एक ही है ना। ये देखे सर जी, बढ़िया आदमी हमारा, आप कितना भी तोड़िए टूटेगा नहीं, वफादार है ही, एक बार कसम खाया तो अपना कसम कभी
कभी नहीं तोड़ेगा। अरे तो तुमको रखने का फायदा क्या हुआ जी, जब तुम इसको पैसा दोगे। अरे आप बोले ना, हम इनको अपने यहाँ नौकरी पे नहीं रखेंगे, वो आपका मर्जी है, लेकिन हम इनको अपना मालिक बना के रखेंगे, ये हमारा मर्जी है। आपको उससे क्या, हम अपना पैसा कहाँ करते, किसको देते हैं, काम से मतलब होना चाहिए, फालतू बकवास मत कीजिए, समझे। अरे तुम लोग नौकर है कि हम नौकर है, कैसे बात कर रहे हो। यहाँ जो चीज सोच कर हम तुमको 7,000 दिए, वो तो मेरा काम हुआ ही नहीं, फायदा ही नहीं हुआ हमारा। ये तो सारा टर्म्स एंड कंडीशन इसी काला कल उठा कर चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है। अरे मूर्ख, तुम्हारा दुकान चल रहा है, यही बहुत है, इससे ज्यादा मत चला, वरना तुम चलने के लायक नहीं बचोगे, समझे। हमारा गैंग घूमता है, ज्यादा बोले ना, दुकान पे काम तो कोई नहीं करेगा, उसके बाद तुम काम करने के लायक नहीं बचोगे, वरना तुम्हारा दुकान बचेगा। हमारा 50 आदमी है इस मोहल्ला में, आकर टंगड़ी तोड़ दे।